हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फन स्टडी। मेरा नाम अब्दुल मनान है और एक दफ़ा फिर से मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि पासपोर्ट साइज़ की वीडियो कैसे बनाई जाती है। तो चलिए बिना वक्त ज़्यादा किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कंट्रोल प्लस ओ दबाना है तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको जो तस्वीर पसंद हो आप उसे ओपन करें। कोई भी तस्वीर को आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, ये वाली फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, ये इसके बाद आप लोग इसे बड़ा कर लें थोड़ा सा, दरमियान में ले आए। अब जो आपको चाहिए वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल को आप सी दबा के, कीबोर्ड के ऊपर सी दबा के भी शॉर्टकट की है इसकी, वरना आप इसके अंदर टूल बॉक्स के अंदर देख सकते हैं क्रॉप टूल। इसे दबाएं और इसे क्रॉप कर लें जो साइज़ आपको पसंद है। और ऊपर इसकी विथ होनी चाहिए 1.5 और हाइट 2 होनी चाहिए। रेजोल्यूशन आप 300 रखें, 300 रेजोल्यूशन बिल्कुल सही होती है। एंटर दबा दें सेलेक्ट पाथ करके, ये क्रॉप हो चुकी है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको कंट्रोल प्लस एन दबाना है। कंट्रोल प्लस एन, इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक न्यू पेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वरना वहाँ से नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी लिखा होता है न्यू का। वैसे मैंने कंट्रोल प्लस एन से किया है। यहाँ पर आपको 4x6 का पेज ओपन करना, 4x6। ओके, ये आ गया। मैंने दो पिक्चर्स रख ली हुई हैं, तो आपको अगर पिक्चर्स इसके ऊपर रखनी है तो आपको मूव टूल का इस्तेमाल करना होगा। साइज़ पहले से हमने लगा दिया था 1.5 और 2, मूव टूल हमने पकड़ा हुआ है और इसी से हम तस्वीर को मूव करेंगे। तस्वीर के ऊपर क्लिक करके हम इसे यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर अपने हिसाब से इसे सेट कर लेंगे जहाँ पर हम चाहें। साइज़ आपका वही रहेगा जो आपने पहले लगाया हुआ है। ये 4 तस्वीरों की मैंने बनाई है, ज़्यादातर 4 और 6 ही इस्तेमाल होती हैं। ये 4 तस्वीरें सेट हो गई हैं और इस वक्त ये हमारी पासपोर्ट साइज बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आप लोग इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपल दबाना है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी आप दबाएंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप लोग देना है साइज़, देना है पेज का जो आपके पास अवेलेबल होगा, 4x6। और आप किसी भी चीज़ को ना छोड़ें, रेजोल्यूशन 300 ही सही है। ओके, अब आप इसे ऑन ओके करेंगे। वैसे अगर आप यहाँ से कोई चीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके दबाएंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको कॉपीज सेट करनी है कि आपको एक टाइम में कितनी कॉपीज़ करनी है, 4, 8, 9, 10, जितनी आप चाहें। ओके, ओके दबाएंगे तो ये प्रिंट निकाल देगा। इस वक्त मेरे पास प्रिंटर की सहूलत मौजूद नहीं है, इस वजह से प्रिंट नहीं निकला, लेकिन अगर आप इसको ओके करेंगे तो आपको ज़रूर प्रिंट निकल आएगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ के बारे में जल्द सबसे पहले मालूमात हासिल हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।